बचपन में मैंने देखा था कि लाइक हाउ डू वी सी थिंग्स एंड हाउ डू वी ब्रीथ बेसिकली. और छोटी थिंग्स वो चीज़ें वो होती है ना कि बच्चे को में क्यूरियोसिटी रहती है कि ये देखता कैसे, ये हमारे हाथ पर कट लग गया, ये अपने आप कैसे ठीक हुआ. मेरे को यही चीज़ है जो हेल्प करती है कि हाँ, और मोटिवेट करती है कि मैं इस लाइन में आगे जाऊँ. माई फादर्स ड्रीम ऑल्सो कि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे, बट वो ये होते हैं ना रिक्वायरमेंट्स कभी बार मीट नहीं कर पाती हैं कि तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है. सो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका वो ड्रीम अपना साइड बाई साइड पूरा करके चलूँ. Hi guys, my name is Harsh Kumar and I live in Delhi with my family and I'm preparing for NEET 23 exam and जो मेरा लास्ट ईयर स्कोर रहा था वो रहा था 510 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड मैं 7th मई को भी एग्ज़ाम दूंगा जो रिसेंटली जिसमें सिर्फ 3 मंथ्स बचे हुए हैं. होपफुली मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए एंड मेरे को वो कॉलेज मिल जाए जो मैं चाहता हूँ. मेडिकल लाइन मैंने इसलिए चूज़ करी बिकॉज बचपन में मैंने देखा था कि लाइक हाउ डू वी सी थिंग्स एंड हाउ डू वी ब्रीथ बेसिकली. और छोटी थिंग्स वो चीज़ें वो होती है ना कि बच्चे को में क्यूरियोसिटी रहती है कि ये देखता कैसे, ये हमारे हाथ पर कट लग गया, ये अपने आप कैसे ठीक हुआ, हमारी बॉडी के अंदर कैसे क्या हो रहा, हमारा दिल कैसे काम करता. तो बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है मैं उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि ये सब काम कैसे करता है. एक एम बन गया कि यार हमें एक डॉक्टर बनना है, मेरे को एक मेडिकल लाइन में जाना है बिकॉज उन्हीं सब चीज़ों में अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानकारी ले पाता कि कैसे क्या करना है. एंड बेसिकली इट वाज माय फादर्स ड्रीम आल्सो कि वो भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे, बट वो ये होते हैं ना रिक्वायरमेंट्स कभी कभार मीट नहीं कर पाती हैं कि तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हें कभी कभार लाइक घर में का ऐसे इशूज़ हो जाते हैं कि तुम पढ़ाई ही नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पास बहुत सारा काम होता है. सो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका वो ड्रीम अपना साइड बाय साइड पूरा करके चलूँ. हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम कॉलेज होता है, मेरा भी एक ड्रीम कॉलेज है और वो एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है. एंड मैंने एम्स इसलिए चुना बिकॉज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज़ सो नाइस देयर. एंड होता है ना कि तुम्हें इंस्पिरेशन किससे मिलती है कि लाइक तुम्हारा एक नीट टॉपर भी होता है कि हाँ तुम्हारे इस बंदे के जैसे तुम्हारे मार्क्स लेके आने हैं. जिन्हें मैं इंस्पायर करता हूँ वो भविक बंसल है जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक वन आई थी, जो नीट 2019 के टॉपर्स है जिनका नाम भविक बंसल है. सो मैं चाहता हूँ उनकी तरह बनना, उनकी तरह नंबर लाना. ऑब्वियसली इट विल टेक सो मच हार्ड वर्क टू बिकम लाइक हिम, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि हाँ मेरे को एम्स कॉलेज मिले. 12th के बाद मैंने अपना फर्स्ट नीट का एग्ज़ाम दिया जो 21 में हुआ था एंड वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था. तो मैंने जब नीट 22 में एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे 510 मार्क्स आए थे सैडली, बट वो भी नहीं हो पाया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया एंड मेरे को बहुत ज़्यादा लो फील होने लगा कि यार मेरा फिर से एग्ज़ाम रह गया, मैंने 2022 में दिया था. तो फिर जब मेरे को डीमोटिवेशन लो फील हुआ तो एज अ मोटिवेशन लाइन मैं यूज़ करता हूँ कि मेरे को डॉक्टर बनना है ऑब्वियसली. तो मैं चीज़ें विजुअलाइज करता हूँ कि डॉक्टर बनने के बाद मेरे को जो वाइट कोट मिलेगा उस वाइट कोट को पहनने की वजह से जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हें हाँ इस लाइन में और आगे जाना चाहिए, इस लाइन में आगे जाने के तुम लोगों की काफ़ी हेल्प कर पाओगे एंड उसकी वजह से जो तुम्हें सेल्फ रेस्पेक्ट अर्न होगी ना और देन जो तुम्हें उसकी वजह से हैप्पीनेस मिलेगी वो एक अलग लेवल होती है कि यू हैव सेव्ड समवनस लाइफ एंड दे गिविंग यू रेस्पेक्ट, यू आर earning respect in each and every step you are moving forward. मेरे को यही चीज़ है जो help करती है कि हाँ और motivate करती है कि मैं इस line में आगे जाऊँ. तो मैं नीट 23 के लिए जैसे कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो प्रिपरेशन के वक्त जो बीच में मेरी जर्नी है ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. लाइक कि हर किसी बच्चे का एक वीक पॉइंट होता है कि वो इस सब्जेक्ट में या फिर इस टॉपिक में वीक है तो है. लाइक मेरा होता है जैसे कि मेरे को फिजिक्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फिजिक्स होता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं बनने होते हैं क्योंकि फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं बाकियों से एंड उन्हें वो हमसे नहीं समझ पा पाते. तो ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट में मेरे को ये होता है कि जो टॉपिक मेरे को समझ नहीं आता है, बेसिकली मैं एक चैप्टर को पढ़ रहा होता हूँ मेरे को टॉपिक नहीं समझ आया तो मैं उसको एक अपना अलग पेज पर लिख देता हूँ कि मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत है. तो अब एक उसको मैं फिर क्वेश्चन करना शुरू करूँगा, ऑब्वियसली मेरे को उस चैप्टर के नहीं बनेंगे. फिर जब मैं उसको दोबारा रीड करूँगा उस कॉन्सेप्ट के थ्रू दोबारा जाऊँगा, मैं उस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर डालूंगा जो मेरा पहले वीक था एंड मैंने देखा कि अगर ये मेरा दोबारा वीक है या फिर अगर मैं इसमें दोबारा दिक्कत हो रही है मैं उसको दोबारा लिखूँगा कि जब मैं अगली बार उस चीज़ को पढ़ने जाऊँ तो मैं उस पर ज़्यादा फोर्स दे सकूँ, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकूँ. तो मेरे साथ यही सीन रहता है कि मैं उसे लिखता हूँ, जब नेक्स्ट टाइम पढ़ता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, अगर वो दब भी गलती है मैं उस पर फिर से फोकस करूँगा एंड इन दी एंड क्या होगा, तुम इस पर फोकस करते 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 तुम्हारा वो जो वीक पॉइंट है जो जनरेट हुआ था शुरुआत में वो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा.
जो मेरा डेली शेड्यूल है वो बेसिकली मेरा रात से पढ़ना स्टार्ट होता है। मोस्टली बच्चों का सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, बट मेरा रात से स्टार्ट होता है। मैं रात 1 बजे पढ़ना शुरू करता हूँ एंड मेरा जो शेड्यूल इस हिसाब से रहता है कि मैं 4 आवर्स लगातार स्टडी करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ। एंड उस ब्रेक में होता है कि मैं सुबह लाइक 1 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं सुबह 4 या 5 बजे तक पढ़ूंगा एंड उसके बाद मैं सीधा ब्रेक लेने के बाद 1 घंटे का मैं सोने चला जाता हूँ। सोने के बाद बिकॉज क्योंकि मेरी दिन में सुबह मैं एज अन अकेडमी लर्नर हूँ तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो मेरी मॉर्निंग में 10 बजे से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मेरा ओवरऑल जो है क्लास का जो शेड्यूल होता है वो मेरा लाइक 5 to 6 आवर्स में जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाई मैं कर रहा हूँ। ये मेरी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, ये मेरा सिर्फ क्लासेस का टाइम है जो 5 to 6 आवर्स ले लेता है। मेरे जो ओवरऑल क्लासेस है वो मेरी रात के या फिर शाम के टाइम अप्रॉक्स 6 बजे तक खत्म हो जाती हैं। उस 6 बजे के बाद मैं फिर से अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम देता हूँ। मेरा 6 to 9 मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है 3 आवर्स का, बिकॉज मेरी एक रात में भी मेरी एक क्लास होती है बायोलॉजी की 9 to 11 का। एंड मोस्ट स्टूडेंट्स का जो शेड्यूल होता है पढ़ाई का वो ये होता है कि वो ना एक कंटिन्यूस स्लीप रखते हैं। मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है, मैं अपना 4 आवर्स की स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ 1 आवर्स का, फिर मैं 4 आवर्स की स्टडी लूँगा, फिर मैं 2 आवर्स का ब्रेक लूँगा और जो उसमें मेरा ब्रेक टाइम होगा बेसिकली उसमें बेसिकली मैं सोता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जो मेरे को पावर नैप्स लेने होते हैं ताकि जो कभी पढ़ते हुए बॉडी बहुत ज़्यादा थक भी जाती है। एंड बेसिकली जैसे कि एग्ज़ाम में सिर्फ 3 मंथ्स बचे हुए हैं, मैंने उसके हिसाब से अपना पीछे कैलेंडर भी बना रखा है, उस कैलेंडर में मैं अपनी डेट्स काटता रहता हूँ कि जिस धीरे धीरे एग्ज़ाम आता जा रहा है वो मेरे को ये रिमाइंड करता रहता है बार बार कैलेंडर की, हाँ तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, तुम्हें जो सोशल मीडिया या फिर जो आसपास की चीज़ें हैं वो उन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो एक कोट है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ एंड इट सेज लाइक ओनली द हीलिंग आर्ट इनेबल वंस टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड एट द सेम टाइम बेनिफिट्स द अदर्स। अब इसमें जो हीलिंग आर्ट है उसको मैं एज अ मेडिसिन चूज़ करता हूँ, एज अ मेडिसिन इंटरप्रेट करता हूँ कि इसकी मदद से जो मेरा नाम अर्न होगा, जो मैं अपना नाम कमाऊँगा वो, एंड उसी टाइम मैं दूसरों की हेल्प भी कर पाऊँगा। ये थी मेरी NEET 23 की जर्नी जो एक मेडिकल सीट के साथ ख़त्म होगी। अगर आपकी भी ऐसी जर्नी है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर NEET 23 एग्ज़ाम। लेट्स क्रैक इट।